हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम अपनी बेटी को दुर्गा माता बनाने जा रहे हैं। तो उसको दुर्गा माता का रोल मिला है स्कूल की तरफ से, और नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि में उसको दुर्गा माता का रोल मिला है। बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने इसको रेडी करना स्टार्ट, तो मैंने यहाँ पर उसको थोड़ा सा उसके फेस पर क्रीम लगाया था, फाउंडेशन नहीं लगाया था क्योंकि इसमें केमिकल होता है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा इसमें नॉर्मल क्रीम लगा दिया था मैंने उसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसकी आइस बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आइस भी मैंने जैसे जैसे थोड़ा सा नॉर्मल ही बना दिया है, जितना मुझे आता है उसी हिसाब से मैंने उसको अच्छे से बना दिया कि थोड़ा सा अच्छा लगे और थोड़ा सा वो दुर्गा माता का पूरा लुक आए। ताकि आइस बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आइस में उसके मेकअप किया। वैसे बच्चों को मेकअप ज़्यादा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत उसके मेकअप मैंने इसको कर दिया है। कैसा लग रहा है आपको? फाइनल यहाँ मैंने उसकी आइस बना दी है, बहुत ही अच्छे से बन गया है जितना मेरे से हो पाया। तो यहाँ पर अब रेडी हो गया है इसका तीसरे आइस बनाया, उसके नीचे मैंने एक बिंदी लगा दिया है। तो बिंदी लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है माँ के ऊपर। तो यहाँ पे बिंदी लग चुकी है, तो थोड़ा सा मैंने उसको हल्का सा पिंक पिंक उसके गाल कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने उसके ऊपर मेकअप नहीं किया है, वैसे करना नहीं चाहिए, बट कभी कदार ऐसे बच्चों को रेडी होते हैं तो चल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कैसे देख रही है कैमरे में, उसको बहुत ही अजीब सा लग रहा है, वो सोच रही है क्या है, बहुत हैप्पी भी हो रही है वो। तो यहाँ पे मैंने उसको थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है, बहुत ज़्यादा लिपस्टिक नहीं लगाई है बट थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दी है। तो यहाँ पे मैं स्कर्ट में उसको साड़ी पहनाना स्टार्ट कर रही हूँ, और साड़ी का इस बहुत ही अच्छे से पहनाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि पता है बच्चों की साड़ी खुल ना जाए, बहुत ध्यान। तो इसलिए मैं स्कर्ट पे साड़ी पहना दे रही हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं इससे क्या है कि ये वॉशरूम जाएगी या तो बाथरूम तुम जाना है तो आराम से जा सकती है, इसको दिक्कत नहीं होगी। लेगी वेगी में पहनाने में बहुत दिक्कत होती है, और पेटीकोट बच्ची है तो पेटीकोट बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगी। तो स्कर्ट पे आप पहनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये पहन लेगी। तो यहाँ देख सकते हैं ऊपर का ब्लाउज तो बहुत ही इम्पॉसिबल है बच्चों को पहनाना, उसमें फिर उसमें बहुत ही फिटिंग करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऊपर उसको टॉप पहना दिया फुल अस्तीन का ब्लू कलर का, जो साड़ी से एकदम मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे से इसको पिनअप कर दिया, और रेड कलर की साड़ी पहनाई है कि माता के ऊपर जो रेड कलर की साड़ी होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, और बेटी भी मेरी बहुत ही सुंदर लगेगी। बाल का मेरे पास कुछ जुगाड़ नहीं हो पाया था, आपके पास बाल का जुगाड़ हो पाए तो आप नकली बाल लगा दीजिए माता के, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे बाल नहीं थे तो मैंने इसको आगे दो गजरे लटका दिए, वो भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और जितने बाल थे उसके उससे ही उसको अच्छे से रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने उसको गले में दो माले पहना दिए, और कमर में भी मेरे पास गले का रखा था तो मैंने उसको उसके कमर में बांध दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से उसको मैंने सेट कर दिया है, तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है। और माता रानी के हाथों में आलता ना लगे तो फिर तो अधूरा ही है। तो मैंने यहाँ पे माता रानी के हाथों में आलता लगा दिया है बहुत अच्छे से, ज़्यादा नहीं लगाया, बहुत थोड़ा सा लगाया, क्योंकि ज़्यादा लगा देंगे तो वो शायद अपने फेसेस पे लगा लेगी तो उससे उसका मेकअप भी ख़राब हो सकता है, इसलिए मैंने बहुत ही थोड़ा सा लगाया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल लुक, ये बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इसको माता रानी का रोल मिला है, और मैं बहुत खुश हो रही थी। उसको भी बहुत अच्छा लगता है कुछ नया उसको करने को मिला है, तो बच्चों के साथ वैसे भी कुछ नया नया होता है तो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसे रेडी कर सकते हैं आपके घर।